दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखना। मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ और चूल्हे पे बनाने आई हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही है गैस खत्म हो गई है और थोड़ा सा सिलेंडर डब हो गया, चला हुआ है, तो उससे चाय बना लेते। ओहो, ये मसाला तो फैल ही गया, तो मैं सारे मसाले नीचे से लाई हूँ। कुछ ऊपर क्या है? ऊपर कुछ नहीं है। तो ये पनीर मैंने सुबह ही बनाया, ताज़ा पनीर है दूध का, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, पनीर कट गया। पनीर भी बिगड़ गया। थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करूंगी, ज्यादा हो जाता ना तो बेकार लगता है। देखो भाई, ये होता है चूल्हे पे रोटी बनाना क्या सब्जी बनाना, गिरता जा रहा है आधा आधा थाली में जा रहा है, अच्छे से पका ही नहीं पाते चूल्हे पे। और मैंने इसमें मतलब टमाटर और मिर्ची का पेस्ट, वो सॉरी मिर्ची का तो ये रहा, टमाटर और प्याज का पेस्ट ये रहा। तो मैं प्याज रोटियां भी बनी थी, और ये मेरा मिर्ची का मसाला है, तो सारे मसाले हैं ये देखिए। धुआं धुआं हो गया आज तो, धुआं 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 के मारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या खिचड़ी पक रही है देख लो, आंख ना फूट रहा है इससे मेरी। ये मसाला ऐड कर देती हूँ, भुना हो जाना। ये
ये सब्जी होगी इस तरह की, मैं बता देती हूँ क्योंकि वो काली वो हो रही है ना धुआं से आप लोगों को, वैसे तो आपको देख ही रही काली जरूर है लेकिन बहुत ग्रेवी वाली। अब धुआं नहीं हो रहा है, करी पनीर। फ्रेंड्स हमारा पनीर, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा हमारी पनीर कुकिंग, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और मुझे बता देना कमेंट करके आप किस टाइप का वीडियो लाओ, तो ये कुकिंग का वीडियो हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि कुकिंग का वीडियो लाओ, तो मैंने सोचा आज कुकिंग का वीडियो लाओ तो अपने देसी स्टाइल में। चलिए बाय बाय।